ये जीरा डाली हूँ मैंने इसके अंदर थोड़ा। आज 15 अगस्त, आप सबको बहुत ही मुबारक हो, हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये देखें, आज के स्पेशल दिन पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड अंडा तवा पुलाव बनाई हूँ, लेकिन उसको मैंने सेलिब्रेट कर दिया है हमारे 15 अगस्त वाले दिन के दिन। तो ये मैंने किस तरीके से बनाई हूँ, आइए देख लेते हैं। देखने में देखें कितनी यमी लग रही है, और अंडे पुलाव का तो लुक आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड तवा पुलाव बनाना बताई हूँ, तो आइए देख लेते हैं। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें डाल देंगे पानी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग, जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के जुआन में अल्लाह ताला आपको सेहत आफिर तंदुरुस्ती के साथ में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए फ्रेंड, मैं आज आपको 15 अगस्त स्पेशल हमारा एग पुलाव बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने जीरे में तेल डाल के 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ, और चावल को मैंने आधे से पौने घंटा हो गया मुझे भिगा के। जैसे बॉयल आएगा हम लोग पहले इसमें राइस डाल देंगे, और उसमें क्या लगने वाला है आइए देख लेते हैं। देख सकते हैं पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं यहाँ पे जो चावल रखी हूँ, ये चावल मैं डाल दूँगी इसके अंदर, बिरयानी के जैसा चावल को अच्छा बॉयल कर लेंगे 80%, और इसको मैं छान लूँगी। चावल हो गए हैं, चावल को मैं छान लेती हूँ। तो राइस तो देखिए हमने छान लिए है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये ज़ीरा है 1/2 चम्मच, यहाँ पे मेरे पास में बिरयानी मसाला है, ये वेजिटेबल मैगी क्यूब है, और यहाँ पे जो अक्खा धनिया और सौंफ होता है उसको मैंने मिक्सी के अंदर अभी दरदरा सा पीस ली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ज़ीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, और ये रेड चिली पाउडर है, और ये मेरे पास में पैरी पैरी मसाला था वो मैंने ली हूँ, और थोड़ी सी हल्दी ली हूँ, और यहाँ पे हरा प्याज है जिसको मैंने कट कर ली हूँ, और यहाँ पे देखिए ये बड़ी 2 प्याज है जिसको मैंने हाथ से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ, 1 शिमला मिर्च है उसको भी मैंने कट कर ली हूँ, यहाँ पे अंडे है, अंडे को भी मैंने बॉईल करके इस तरीके से देखिए गोल गोल कट कर ली हूँ, ठीक है। ये मैं गार्निशिंग के लिए रखी हूँ, और यहाँ पे जो मैंने अंडे ली हूँ वो बॉयल अंडे है, ये कच्चे हैं। आइए आज मैं आपको एकदम स्ट्रीट फूड जैसा तवा अंडा पुलाव बनाना बता रही हूँ। तो ये हम 15 अगस्त स्पेशल बना रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखे 2 टमाटर हैं, उसको बारीक चॉप करी हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रेश अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को मिक्सी के अंदर पीस ली हूँ, और 1 लेमन ली हूँ। तो आइए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो राइस रखा है, तो ये राइस के अंदर देखें 3 भाग मैंने करी हूँ, तो एक है ये, तो इसके अंदर मैं ये रेड कलर ऑरेंज वाला फूड्स कलर है ये मिक्स करूँगी। ये देखें पानी वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं, ड्राई मिक्स कर रही हूँ। और ये ग्रीन है, ये ग्रीन को भी इसी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो बस ग्रीन और ऑरेंज और एक वाइट कलर का हमारा रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि हम ये 15 अगस्त के स्पेशल बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आइए अब देखते हैं। ले आइए फ्रेंड, देखिए ये पैन रख दी हूँ मैंने, अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ऑयल डाल दी इसके अंदर। ट्राई ज़रूर करिएगा, एकदम आपको स्ट्रीट फूड जैसा मज़ा आएगा। जैसे ही ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर जो अभी आपको मैंने ज़ीरा बताई हूँ ये डाल देंगे हम, और इसके अंदर खड़े गरम मसाले वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, बिरयानी मसाला डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुंह में गरम मसाले नहीं आए, क्योंकि ये तवा पुलाव है स्ट्रीट फूड। अब देखिए ये भी चटक गया है, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। ट्राई करिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, बिरयानी वगैरह तो बहुत खाई हुई है आपने, अंडे का पुलाव, अंडे की बिरयानी, पर ये स्ट्रीट फूड तवा पुलाव है। तो मेरे पास में ये बड़ा पैन है मैं बना रही, अगर आपके पास में तवा है तो आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही डिलिशियस बनता है ये। मैं हमारे मेरे घर में मैं हमेशा बनाते रहती हूँ, लेकिन मैं सोची क्यों ना मैं आज 15 अगस्त के लिए आप लोगों के साथ में मेरी ये रेसिपी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। ये देखें, और इसके अंदर आपको कोई प्याज एकदम ब्राउन नहीं करनी है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो टमाटर रखे हैं ये डाल देंगे, माशाल्लाह जो शिमला मिर्च रखी हूँ मैंने ये डाल दूंगी, और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट पीसी हूँ ये डाल दूंगी। ऑयल इसके अंदर एक साथ में नहीं डाला जाता है,
तो थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, तो हम भी वैसे ही डालते जाएंगे, एकदम स्ट्रीट फूड जैसा बनाएंगे इसको। माशाल्लाह इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जो धनिया और सौंफ था वो डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने आपको बिरयानी मसाला और एक वेजिटेबल मैगी क्यूब है वो डाल देंगे, और यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पेरी पेरी मसाला, हल्दी और रेड चिली पाउडर, ये गया ठीक है। अभी मसालों को इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ, साथ के साथ में कि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन जाए। देखिए फ्रेंड मसाला अच्छे से भुन रहा है, अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से। ये हाफ लेमन है ये डाल दूंगी मैं मसालों के अंदर अच्छे से, ये बहुत ही अच्छी चटपटा था हमारा तवा पुलाव बन के रेडी हो। इसके अंदर जो हमने हरी प्याज कट करके रखी है ये डालेंगे, ये अंडा है मेरे पास में देखें, इसको मैं इस तरीके से फेंट के डाल दूंगी। दो अंडे लिए हूँ मैंने, अब अंडे के ऊपर हम देखें बहुत ही फिर से ये हरी प्याज डाल देंगे, और हल्का सा इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे कि हमारा अंडा फीका नहीं लगे। यहाँ पे देखिए सेजवान चटनी है मेरे पास, ये हाफ चम्मच डाल दी मैंने, और इसको अच्छे से देखिए इस तरीके से, और इसके अंदर ऑयल आपको लगेगा कि बाद में थोड़ा थोड़ा आप डालते जाए, एक साथ में ना डालें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही यूनिक और डिलीशियस का तवा पुलाव है ये, ट्राई ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ हो गई है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे ये राइस जो बॉईल करके रखे हैं, डाल दी मैंने, इसको मिक्स करेंगे हम बहुत ही अच्छे से। और इसको अभी मैं बटर डाल के, इसके अंदर बटर जाएगा अमूल बटर, और इसको अब हम दम पे देंगे। ये देखें स्ट्रीट फूड आपका अंडा तवा पुलाव, ये बड़ौदा में भी बहुत फेमस है अंडा पुलाव स्ट्रीट फूड पे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी प्याज, जाएगा एक अमूल क्यूब छोटा सा मैं डाल दूंगी, और इसको अभी हम लगाएंगे दम पे 5 मिनट तक का, इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने अंडे रखी हूँ ये डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये बॉईल वाले अंडे हैं, दिख रहा है ना बहुत ही यमी और डिलीशियस सा। ये आप लोगों के लिए मैंने 15 अगस्त स्पेशल रेसिपी मेरी शेयर करी हूँ, ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड। इसको रहने देते हैं और 5 मिनट, इसमें हरी प्याज डालेंगे, और इसको 5 मिनट तक का ढक के रखते हैं। हमने कलर मिक्स कर लिए, कितना अच्छा लग रहा है ये ग्रीन कलर, और ये ऑरेंज कलर, और ये वाइट कलर, और इसके बीच में रखे ये देखें, वाह माशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त का लुक आया है, ये देखिए यम्मी सा और खिले खिले से राइस, ये देखिए। ये जिसको भी आप खिलाएंगे ना वो आपके फैन हो जाएंगे। अब इसको हम प्लेटिंग करेंगे और फिर ये गार्निशिंग करेंगे। आइए देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये है अंडे का स्ट्रीट फूड तवा पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं इसका लुक बन के ये रेडी हुआ है और बहुत ही खिले खिले चावलों के साथ में बन के ये रेडी हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखें बहुत ही डिलीशियस, ट्राई ज़रूर करिएगा। आइए अब इसको हैप्पी, हम लोग 15 अगस्त के लिए बनाए हैं तो अब इसकी गार्निशिंग करते हैं। चले आइए फ्रेंड, अब यहाँ पे हमारा बनने का शुरू हो जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे पे जो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कलर करके रखी हूँ राइस, इसको मैं इस तरीके से देखिए ये हमारी एक लेयर हो गई है, ठीक है, और फिर बीच में आएगा वाइट वाला राइस, ठीक है ना। तो ये वाइट वाले राइस को भी हम इस तरीके से लेके देखिए माशाल्लाह ये इस तरीके से लगा दिए, और यहाँ पे है मेरे पास ये ग्रीन वाला, ठीक है ना, ये ग्रीन वाले को भी हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है और बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। देखिए माशाल्लाह, अब यहाँ पे मैंने ये शिमला मिर्च रखी हूँ कट करके, ये जाएगी देखिए इस तरीके से रख दूँगी, और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कैरेट के कट करी हूँ मैंने पीस, तो हम इस तरीके से इस पर लगा देंगे, जो दिखने में भी बहुत ही डिलीशियस और हमारा देखने में भी लुक इसका बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही डिलीशियस बनके हमारा आज का आप लोगों के लिए मैंने एकदम स्पेशल स्ट्रीट फूड अंडा तवा पुलाव बना के रेडी करी हूँ। आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। ये देखिए, तो आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त बहुत मुबारक हो, हमारे आज़ादी का दिन है और हमें ये दिन पे अच्छे से अच्छे सेलिब्रेट करना चाहिए, ये देखें। तो आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, 15 अगस्त बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक ऐसी रेसिपी के साथ में। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आप सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।